अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो शुरू करता हूँ। आज की वीडियो क्या है? आज की वीडियो होगी लाइफ इन मीरपुर आजाद कश्मीर पार्ट टू। मुझे किसी ने कमेंट करके कहा कि इसका पार्ट टू भी बनाए। चले आप कोशिश करता हूँ कि जो जगह आपको मैं नहीं दिखा सका इस वीडियो में वो आपको दिखाता हूँ। तो चलो टाइम जाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। इस टाइम मैं मौजूद हूँ F1 कोटली रोड पे, जिसको यहाँ पे चुंगी बोलते हैं। इस साइड से स्टार्ट करूँ आज। चलो फिर चलते हैं आगे। वो सामने किप्स कॉलेज खुला है, वहाँ पे पहले आज़ाद चावला इंस्टीट्यूट होता था। मेरे राइट पे है जी वो रेडियो, पता नहीं FM, पता नहीं कौन सा, मीरपुर रेडियो समथिंग। और इसी के साथ आगे चले जाएं तो ये शॉप्स, ये पहले इलाका इतना मतलब इतना हैपनिंग नहीं थी प्लेस, ये मतलब ये बहुत, ये पहले बिल्कुल हाली हाली था, लेकिन अब हर जगह पे प्लाजा बना हुआ है सब कुछ। ये किप्स कॉलेज, यहाँ पे सुल्तानिया बेकर्स इधर शिफ्ट हो गया, पहले आगे होता था। और इसी के साथ मेरे लेफ्ट पे गोरमे बेकर्स और चिकन कॉटेज। चिकन कॉटेज ये मैंने इतना खाया है, मैं आपको क्या बताऊँ। जब ये नया नया खोला था मीरपुर में, यही अच्छा था और बहुत खाया ये। और इसी के साथ हम आगे चले जाएँ। जब आप मेरे लेफ्ट राइट पर देख सकते हैं शॉप्स, ये मेरे राइट पर ना इस प्लाजा पर ना यहाँ पर एक हुआ करता था टेस्टी बाइट, बहुत पहले की बात है, काफ़ी साल पहले की। वो चिकन कॉटेज से भी पुरानी बात है। चिकन कॉटेज जो है रिसेंटली बना है, कुछ साल ही हुए हैं, वो 10-1 साल तो हो गए उस टेस्टी बाइट को बने हुए। और टेस्टी बाइट के जो बर्गर्स थे, वो चीज़ें थी, फास्ट फूड नया नया मीरपुर में आया था तब, तो बड़ी ना यादें जुड़ी हुई हैं उसके साथ। और अगर आप इसी रोड से आगे चले जाएँ लेफ्ट राइट पर आपको दुकानें मिलेंगी। ये राइट साइड पर RD Mart है, उसके साथ जान केमिस्ट है। और जान के हम इसके सामने आगे चले जाएं तो वो सामने जो प्लाजा है ना, उस पर आपको मिल जाएंगी फैंसी लाइट्स। लेनी है अपने घर के लिए, आप वहाँ से ले सकेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी हैं और सामने भी आगे चौक में भी हैं, लेकिन ये आप लेफ्ट पे देखें। अगर आपको फैंसी लाइट्स चाहिए तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। और मैं कहाँ पे इस टाइम हूँ कोटली रोड पे, चुंगी से F1 वाली साइड पे जाते हुए। और ये लेफ्ट पे नीचे रोड चले जाएं तो तालीमी बोर्ड आ जाता है मीरपुर का। और इसी के साथ सामने देखें तो दुकानें मिलेंगी आपको हर तरह की। इस रोड पे एक ही पेट्रोल पंप हुआ करता था, जो था PSO, लेकिन अभी ये रिसेंटली ये सामने लेफ्ट पे मेरे बना नया एक हस्कोल, आई थिंक मैंने प्रोनाउंस सही किया हो। और आगे चले जाएं तो इसी के राइट साइड पे एक मॉस्क आ जाती है, छोटी सी प्यारी सी मॉस्क। थोड़ा आगे मेरी लेफ्ट साइड पे एक आएगी वॉफल्स के नाम से ना, आइसक्रीम की जगह आप वहाँ पे शेक्स और आइसक्रीम खा सकते हैं, ले सकते हैं। ये रहा वो PSO जिसकी बात कर रहा था, ये एक ही था इस रोड पर, लेकिन अब पीछे एक और पंप बन गया। ये रहा वो वॉफल्स, इनकी जो फर्स्ट ब्रांच है वो नांगी वाली साइड है, और ये वाली इधर इन्होंने सेकेंड ब्रांच ओपन की थी। यहाँ पे मेरे राइट साइड पे यहाँ पे होता था फिश एंड चिक्स, उसके साथ यहाँ पे डाइनर्स हुआ करता था, जो कि अब अर्बन हो गया डाइनर्स चौक में है, जो मैंने आपको दिखाया भी था। इस वीडियो में भी आपको दिखाई दूंगा। फिर मेरे पास जो पूरा शहर है ना, वो बना हुआ ही है सर, कि बस हाँ रोड्स और लेफ्ट राइट में दुकानें ही दुकानें हैं। खाली जगह आपको शहर के अंदर नहीं मिलेंगी, लेफ्ट राइट में हर किस्म की दुकान मिल जाएगी आपको। तो चलें थोड़ा आगे चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अच्छा जी, इस टाइम स्टिल मौजूद हूँ कोटली रोड पे। ये आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा, ये मेरे लेफ्ट पे है क्रंच इट। अगर आपने बेहतरीन पराठा रोल खाना है ना मीरपुर का, तो यहाँ से आप खा सकते हैं। और मेरे राइट पे वही मिस्टर कॉर्ड, आपने देखा ही था लास्ट टाइम, आपको मैंने OPTP नहीं दिखाया, तो OPTP ये लेफ्ट पे है लोटस इन की बिल्डिंग में। और टिमीज वो सामने जो बंद हो चुके हैं, वही KFC वो सामने है। एक और चीज़ नहीं खुली है KFC के बिल्कुल सामने, देखें उस गली में आपको चमन आइसक्रीम की मिल जाएगी आउटलेट, वो रिसेंटली ओपन हुई है। और लेफ्ट पे वही डोमिनोज सब है, बलूचिस्तान ड्राई फ्रूट, राइट पे मेरे फोर्ट भी मॉल। और आगे बस चले जाएँ तो वो सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी देखी हुई है, लेकिन फिर भी आपको मैं दिखाई देता हूँ। ये अमनाबादी बर्फी, बल्कि ये भी आई थिंक मैंने दिखाई थी आपको, ये आपको मैंने दिखाई है पिछली वीडियो में। बाकी ये मिनी सो, ये सारी चीज़ें तो आपने देखी हैं, वेरी जे जे डॉट, ये तो आपने उस वीडियो में देखा होगा। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो राइट टॉप पे आपको पॉप अप शो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। लेट्स गो टू द राइट साइड नाउ, ऐसे मुड़ेंगे राइट साइड, और राइट साइड मुड़ते साथ ही हमारे लेफ्ट पे है स्टेडियम, कायद आजम स्टेडियम मीरपुर। और राइट पे आज़ाद मेगा मार्ट और आइडियाज़ बाय गोल अहमद। ये कायद आजम स्टेडियम मीरपुर तो है, लेकिन मैंने कोई नहीं देखा कि कोई मैच हो रहा हो यहाँ पे।
हवा चेक करें, मिट्टी उड़ी है, लगता है बारिश आएगी, आज है बारिश थी, गर्मी इस टाइम इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये मेरे राइट साइड में मलिक जूस सेंटर, और मलिक जूस सेंटर के साथ होती मोरिश बेकर्स जो कि अब बंद हो चुके हैं, और इसी के साथ सामने चला जाऊँ। आपको ये सारी लाइन तो नीचे दिखाई हुई है ना, फिर मैं आपको दोबारा क्या दिखाऊँ। चलो थोड़ा आगे चलता हूँ, फिर मिलता हूँ। एक और चीज़ मैंने शायद लास्ट वीडियो में आपको नहीं बताई, जिसका पार्ट वन था, ये जान शॉपिंग मॉल, यहाँ पे पहले हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन अभी अंदर पूरी मार्केट बन गई है शॉपिंग की। तो इस टाइम हम राइट जाने के बजाय, सीधा जाने के बजाय अब जाएंगे लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे आते हैं तो आ जाती है इलामा इकबाल रोड। हवा चलने की वजह से रोड पे आप ये देखें शॉपर्स देखें, कितनी साफ सुथरी वाली सिटी है। एक थोड़ी सी हवा चलने की देर हुई है और ये हाल चेक कर रहे हैं इसका। अच्छा, ये मेरे लेफ्ट पे है गाजी मार्केट, आई थिंक गाजी मार्केट ही कहते हैं। यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी थोड़े सस्ते में, और होंगी न्यू बट थोड़े सस्ते में मिल जाएंगी। और ये मेरे राइट साइड पे है मेडपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, जिसको मस्ट कहते हैं, ये उसका मेन गेट है। लास्ट वीडियो में मेरे ख्याल में मैंने आपको ये नहीं दिखाई थी, तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको वो दिखाऊँ जो मैं लास्ट वीडियो में मैंने नहीं दिखाई, मिस कर रही हूँ। तो इसी रोड पे आप कंटिन्यू करें आगे, तो ये लेफ्ट पे डी एच क्यू स्टार्ट हो जाता है, और डी एच क्यू यहाँ से स्टार्ट होता है वो आगे तक जाता है। ये मेरे राइट साइड पे डॉलेंस टी सी एल वेव्स प्लस इन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खुला है, ये डेजर्ट स्टूडियो नया खुला है। आप यहाँ पे जाके ना स्नैक्स तो नहीं, लाइक चाट समोसा आइसक्रीम ये चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। और ये आपको मैंने यहाँ से दिखाया था लास्ट टाइम वीडियो में, एम्बुलेंस अकेडमी है। अच्छा, इससे आगे हम चले जाएं तो ये राइट साइड पे जो ये रोड जाती है, इसको बोलते हैं स्टाफ कॉलोनी। जो वापडा के स्टाफ था ना, जो वापडा के वर्कर्स थे ना, स्टाफ था ना, उनके लिए कॉलोनी बनाई गई थी, उनके रिहाइश यहाँ पे थी, दी हुई थी। और बाकी ये आपको मेडिकल स्टोर्स मिल जाएंगे, लैब्स मिल जाएंगी, ताकि आप टेस्ट वेस्ट करवा लें अपना, वो देखें PCR कोविड टेस्ट। तारिक लैब राइट पे है मेरे, उसी के साथ UK टेलर एंड क्लॉथ हाउस है। और आगे चले जाएं तो ये मेरे लेफ्ट पे जो बिल्डिंग है, इस पे मैं क्या था अपना हिजामा करवाने, जैसे जिसने वो वीडियो देखी है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी वो राइट साइड पे पॉप अप हो रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। लेफ्ट पे मेरे फैसल बैंक है, और ये जो रोड जाती, ये जो रोड है ये मेरे राइट पे जा रही है, ये जाती है नीचे नांगी अड्डा की तरफ। ये है जी क्राउन प्लाजा, और क्राउन प्लाजा के ऊपर वन ऑफ द फेमस डेरा रेस्टोरेंट, और इसी के साथ आगे कुछ पम्प्स आ जाते हैं। और ये मेन रोड ये है, यहाँ से आप एंट्री करते हो और एग्जिट दूसरी रोड पे करते हो। यहाँ पे आपको गाड़ियों की वर्कशॉप्स मिल जाएंगी सारी, मेन हब है उस चीज़ का। और नीचे उसको क्रॉस करके नीचे जाओगे तो आपको अड्डा मिल जाएगा, मेट्रो अड्डा। और ये चले जाएँ आगे, ये हम आगे जी वापस नांगी। ये मेरे राइट साइड पे बैंक स्क्वायर है, सारे बैंक्स मेन ब्रांचेस उसकी यहाँ पे। ओके जी, मेन ब्रांचेस के सामने था नांगी चौक, नांगी सराफा बाज़ार जाने के लिए आप जा सकते हैं। उसको थोड़ा सा क्रॉस करके आए तो आप मुझे फिर राइट साइड पे मिल जाएगा आपको मुस्लिम हैंड्स, और उसके साथ ही फोरबी शॉपिंग मॉल, और उसके सामने जी सेलेक्टेंट से मेगा मार्ट और सेलेक्टेंट से। ये दो ऐसी जगह थी जहाँ पर मतलब लोग जाते थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे पर मेरे दो ऐसे कॉन्सेप्ट थे कि एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेफ्ट मेरे आ जाते सिल्क बैंक, बैंक अल हबीब, और थोड़ा सा आगे चले जाएं तो लेफ्ट पे आ जाता है कोयटा, न्यू कोयटा जमजम कैफ़े। ये कोयटा का ट्रेंड इतना चल गया है कि मेरे पर में कोई 6 कोयटा रेस्टोरेंट्स हो गए हैं ये कैफ़े जो है। और थोड़ा सा आगे चला जाऊँ तो ये मेरे लेफ्ट पे है जी, रिसेंटली ओपन हुआ है कुछ टाइम पहले, अजवा रेस्टोरेंट स्वीट्स एंड बेकर्स। इनका खाना काफ़ी अच्छा है, अगर आपने खाना खाना है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लोग यहाँ पे मोस्टली जो बाहर से भी आते हैं वो नफीस प्रेफर करते हैं। नो डाउट नफीस अच्छा होता था एक ज़माने में, लेकिन अब नहीं वैसा रहा, अब उसका टेस्ट, अब वो चीज़ नहीं रही नफीस की जो पहले हुआ करती थी। तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने प्लान किया नफीस खाने का और उसको अजवा नहीं खाया हुआ उसने, तो वो प्लीज़ अजवा को ट्राई करके चेक करना, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, सीधा चले जाएं तो ये लेफ्ट राइट पे मेरे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कल्याल ये, और इसे आगे चले जाएं तो ये अभी मैं पहुंच गया हूँ कल्याल के पास। आपको अगर मेरे पास में अच्छा क्वालिटी का फर्नीचर चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं लाइफ स्टाइल से।
किसी के सामने आगे चला जाऊँ, ये शॉपर देखे आप, ये हालत देखे रोड की, ये तो बस अभी थोड़ी सी हवा चली है, छोटा सा सिटी है लेकिन फिर भी लोगों को मतलब इतनी कदर नहीं है कि यार इसको साफ सुथरा रखें। ये जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, मेरे लेफ्ट पे उसका कैंपस है, लेकिन पहले इस बिल्डिंग में हुआ करता था सेवन्थ कॉलेज। और अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ कल्याण वाली साइड पर, यहाँ से हम जाएंगे राइट साइड पे, और ये सारा आगे आ गया है जी कल्याण, B5 बोलते हैं। कराची आइसक्रीम ये नहीं खुल रही है कोई, इसकी आई थिंक एक आउटलेट चुंगी पे भी है। अच्छा ये सेक्टर B5 की तरफ मैं जा रहा हूँ, आई थिंक ये B5 ही है सारा, लेफ्ट राइट पे आपको देखें वैसी दुकानें, हर तरह की दुकानें मिलेंगी, दूध की दुकान, जनरल स्टोर। और ये मेरे राइट साइड पे आ गया है जी स्कॉर्चन जूस, मिल शेक और फ्रेश जूसेस के लिए, एक ये और एक मलिक जूस सेंटर जो आपको मैंने पहले दिखाया है। मलिक जूस सेंटर तो बहुत पुराना है तो, लेकिन बाद में ये खुला था, ये भी काफ़ी फेमस हो गया। और ये आ जाएं जी, ये हम जा रहे हैं कल्याल वाली साइड, स्पीड ब्रेकर ये देखें, ये गलियाँ, ये मेन रोड उसमें से जा रही है, और मेरे लेफ्ट राइट में आपको स्ट्रीट से नजर आएगी। अब ये देखें साथ ही MCB बैंक भी आ गए, ये साथ ही देखें सुपर स्टोर भी आ गए, और उसी के साथ आप लेफ्ट पे देखें इंटरसिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी आ गई, और साथ ही साकिब मेडिकल स्टोर आ गए, मतलब कि सब कुछ मिक्स एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा हर चीज़। तो चलो यहाँ से चलता हूँ आगे आपको मिलता हूँ। अच्छा जी मैं कल्याण से वापस आया, ये वापस रामा इकबाल रोड पर, और मेरे लेफ्ट पे है DHL वसीम क्लॉथ हाउस, और उसी के साथ मेरे लेफ्ट पे आ जाते हैं जी समित बैंक आ गया, MCB बैंक आ गया, अलबड़ाका बैंक आ गया, JS बैंक आ गया, और इसी के साथ है जी केक्स एंड बेक्स की दूसरी बल्कि पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच थी F1 कोटली रोड पे, और इसी के सामने हैं जी ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, और साथ ही है ये नफीस की दूसरी ब्रांच थी, और ये प्लाजा ये वापस नांगी चौक, यहाँ से लेफ्ट जाएँ तो आप सराफा बाज़ार नांगी चले जाते हैं। तो चलें इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है कि अगली वीडियो मैं किस पे बनाऊँ, तो मैं कोशिश करूँगा उस पे बना दूँ। तो चलें तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। बाय द वे लेफ्ट पे मेरी रीजेंसी होटल है, मीरपुर का सबसे बड़ा होटल किसी ज़माने में, अभी भी शायद सबसे बड़ा ही है। तो चलें मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में, bye bye।